نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات فأحسن إليهن كان له سترا من النار صدق الله العظيم برادران اسلام हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरे आलम इंसानियत पर जलालत और जहालत और शिर्क और कुफ्र की सियाह चादर लिपटी हुई थी। फ़ज़ाए कायनात पर नफ़रत और अदावत की तारीख घटाएँ छाई हुई थी। हर तरफ दुश्मनी के शौले भड़क रहे थे। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की जान ले लेना सिरे से कोई जुर्म नहीं रह गया था। भाईचारगी और उखुवत और मोहब्बत के सुनहरे और खूबसूरत अल्फाज और हरूफ मुआशरे से बिल्कुल गायब हो चुके थे। गोया यूं कहा जाए कि इंसानी कल्ब फ़हिय कल हिजारत यौ अशद कस्वह का मिसदाक बन चुका था। कुरान शरीफ के ये अल्फाज उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उन पर पूरे पूरे सादिक आ रहे थे। पूरा मुआशरा, पूरी इंसानियत, बल्कि पूरी दुनिया अब हैवानियत और दरिंदगी और तबाही और बर्बादी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी। कमज़ोरों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा हो जाती और उन्हें यह बतलाया जाता कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें बेटी अता फरमाई है तो उनके चेहरे पर नखुसत और बदबख्ती की स्याही फैल जाती थी। पूरा घर जहन्नम बन जाता था। मारे शर्मो हया के घर से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं निकलते थे कि लोग क्या कहेंगे कि लड़की का बाप बन गया है। वह अपनी इस खिफत और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता था जब तक कि वो अपनी बच्ची को कत्ल न कर देता या उसे जमीन में जिंदा दरगोर न कर देता था। हजरात, उन्हें इस फैल पर जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, बल्कि इसको फख्र से बयान करते कि हमने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया या उसे जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया है। जरा गौर करो कि एक दरिंदा सिफत बाप अपनी मासूम सी बच्ची को इस तरह जमीन में दफन करता होगा तो उस वक्त उस बच्ची पर क्या दर्द और अलम होता होगा। बिरादरान इस्लाम, ये मुआमला और सुलूक तो अहले अरब के यहाँ औरतों और बच्चियों के साथ था, लेकिन उसके अलावा दीगर मजाहिब में तो औरतों को जलील और मनहूस समझा जाता था। गुलामों की तरह बाजारों में भेजी जाती थी। मीरास में उनका कोई हक नहीं था। निकाह को औरत के ख़रीदने का जरिया समझा जाता था। यहूदियों के यहाँ काफ़ी अरसे तक इस बारे में इख्तिलाफ़ रहा कि औरत इंसान है कि नहीं। हिंदुओं के यहाँ औरतों को जुदागाना हैसियत से तस्लीम किया जाता था। अगर शौहर मर जाए तो काबिल फ़ख्र औरत वही समझी जाती थी जो शौहर की चिता पर जलकर मर जाए। ईसाइयों के यहाँ औरतों की कदरों कीमत क्या थी? ईसाइयों का तो इब्तिदाई और बुनियादी नजरिया यह होता था कि औरत गुनाह की माँ और बदी की जड़ है। गर्ज ये कि इस्लाम का सूरज तुलू होने से पहले दुनिया का कोई ऐसा जुल्म सितम का पहाड़ नहीं था जो इन औरतों के ऊपर न तोड़ा गया हो। इन मजलूम औरतों के लिए, इन मासूम सी कलियों के लिए हर नई सुबह हलाकत और बर्बादी का पैगाम लाती, हर नई शाम उनको खून के आंसू रुलाती थी। गोया के खुदा ताला की यह सरजमीन अपनी तमाम तर वसअत और कुशादगी के बावजूद इन मजलूम औरतों के लिए, इन मासूम सी कलियों के लिए और इन बस हस्तियों के लिए तंग होकर रह गई थी। तो अचानक अर्श अजीम थर्रा उठा, रहमत खुदावंदी जोश में आई,
तो उसने इस दुनिया के सियाह पर्दे पर एक ऐसे पुरनूर इंसान का जहूर फरमाया जो सारे जहां का दुख दर्द अपने दिल में समेटे हुए था। वो आया तो उसने जानवरों को इंसान और इंसान को फरिश्ता बना दिया। वो आया तो उसने जलालत और जहालत और शिर्क और कुफ्र की सियाह अंधियारों में हिदायत और सआदत का चराग रोशन किया। जो अपने हाथ में हिदायत और सआदत का ऐसा चराग लेकर आया जो क़यामत तक के इंसानों के लिए मशअले राह था। वो चराग क्या था? वो चराग इस्लाम था। इस्लाम ने आते ही इस सरजमीन पर कदम रखते ही बरसों से परेशान हाल औरतों को वो उरूज दिया, वो मकाम दिया, जिसे देखकर दूसरी कौमें भी अश अश करने लगी और ये कहने पर मजबूर हो गई कि आज तक न ऐसा मज़हब आया है और न क़यामत तक कोई ऐसा मज़हब आएगा। बिरादरान इस्लाम, औरत तहत सरा थी, इस्लाम ने फौकत सुरैया कर दिया। औरत गर्दे राह थी, इस्लाम ने आँखों का सुरमा बनाया। औरत कांटों के बिस्तर पर थी, इस्लाम ने फूलों के सेज पर बिठाया। औरत बर्बाद थी, इस्लाम ने उसे आबाद किया। औरत मौतों हयात की कश्मकश में मुब्तला थी, इस्लाम ने उसे दोबारा नई जिंदगी अता की। औरत पामाल थी, इस्लाम ने उसे बाकमाल कर दिया। औरत मर्दों के लिए खिलौना और गुड़िया थी, इस्लाम ने उसे बहन बनाकर उस पर शफ़क़त के फूल निछावर कर दिए। ए हव्वा की बेटी और मेरी बहन, जरा दिल की आंखों से देखने की कोशिश कर। जरा देख इस दुनिया वालों ने तेरी कैसी नाकदरी की थी, तुझे कैसा जलील और नज़रअंदाज किया था। फिर तेरा और मेरा महबूब और लाडला नबी आया, उसने तुझे कैसा बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आज इज्जत का दूसरा नाम औरत बन गया है। क्या इस्लाम का तुझ पर बड़ा एहसान नहीं है? क्या इस्लाम की एक ऐसी मुनफरिद खूबी नहीं है जो तुझे किसी दूसरे धर्म और मज़हब के अंदर नहीं मिल सकती है? क्या एहसान इस बात का तकाजा नहीं करता कि तू अपनी तमाम तर खुशियाँ इस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके दीन पर क़ुरबान कर दे, जिसने तुझे सर उठाकर जीने का हक अता फरमाया है? या फिर अब भी तूने यही फैसला कर रखा है कि तू बाजार इश्क में अपनी इज्जत की नीलामी करती फिरेगी, इससे बढ़कर कि तू गैर मजहब वालों से ताल्लुक कायम करके अपने दीन का भी सौदा करके रहेगी? या फिर अब भी तेरे अंदर यही हौसला है? अगर है तो मुझे बतला कि महशर के मैदान में किस जिगर गुर्दे से मेरे और तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेगी। ओ इस्लाम की शहजादी, तू जहन्नम के लिए नहीं, तू तो जन्नत के लिए बनाई गई है। जन्नत में लाखों नेमतें, रहमतें और फरहतें तेरी मुंतजिर है। खादिम तेरे महल के सामने दस्त बस्ता खड़े हैं कि हमारी मलिका आने वाली है। आखिर जन्नत की इस मलिका को क्या हो गया है कि खुदा और रसूल के बागी और दुश्मन की गोद में बांधी बनी बैठी है? तुम्हारे नसीबों का कोई जोड़ नहीं है। एक जन्नत की शहजादी तो दूसरा जहन्नम का कैदी, जिसे हमेशा हमें जलना, तड़पना, बिलकना और खून के आंसू रोना है। अब भी मौका तेरे हाथ में है, अब भी हारी बाजी जीती जा सकती है। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा कर और कुरान करीम के को नाजिल फरमा कर औरतों की ज़िंदगी के हर गोशे और हर पहलू का तहफ़ फरमाया और मुआशरे की गिरी हुई और मुआशरे की दबी हुई मखलूक को वो उरूज दिया, वो मकाम दिया, जिसे आज तक न किसी मजहब ने दिया, न किसी हुकूमत और सल्तनत ने अता फरमाया और नई क़ियामत तक कोई दे सकता है। आखिर में एक शेर करके अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न पाया, जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न पाया, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।